नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए आज के लेसन में देखते हैं माइनर सिक्स्थ कॉर्ड्स और कैसे ये बॉलीवुड के गानों में यूज़ किए गए हैं। माइनर सिक्स कॉर्ड्स पर आपको YouTube में बहुत से लेसन मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल तरीके से समझाऊँ कि आप ये कॉर्ड्स कैसे बजा सकते हैं। आपको इस लेसन को समझने के लिए थोड़ी बहुत थ्योरी आनी चाहिए। मैं समझाते वक्त वेस्टर्न म्यूज़िक के नोट्स और हिंदुस्तानी म्यूज़िक के जो स्वर है दोनों समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको अगर कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप मुझे मैसेज करें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले देखते हैं माइनर सिक्स कॉर्ड्स गिटार पे कैसे बजाए जा सकते हैं। तो पहला वाला शेप ए माइनर वाला शेप है। जब आप ए माइनर बजाते हैं तो उसमें नोट्स ए सी और ई होते हैं। अगर आप इस फिंगर को यहाँ लगा दें तो आपने एफ शार्प नोट ऐड किया है यहाँ पर, तो आपका ये कॉर्ड ए सी ई और एफ शार्प हो गया, यानी कि ए माइनर सिक्स। इसी शेप को आप आगे बढ़ाते चले जाएं तो यहाँ पर ये बी माइनर है, सी माइनर, डी माइनर वगैरह वगैरह। अगर आप बार कॉर्ड्स के हिसाब से बजाना चाहें तो यूं बजाएं आप। इसमें आपको थर्ड स्ट्रिंग को म्यूटेड रखना है, क्योंकि अगर आप थर्ड स्ट्रिंग बजा देंगे तो वो दूसरा कॉर्ड हो जाएगा। और जैसा मैंने शुरू में बताया था, मैं हिंदुस्तानी स्वर में भी आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक फॉलो करते हैं तो ए माइनर जब कॉर्ड बजाते हैं तो उसमें सा गा और पा नोट्स होते हैं, सा, कोमल गा और पा। आप जब ये नोट ऐड करते हैं तो एक शुद्ध धा भी ऐड हो जाता है, तो सा गा पा धा, जहां पर गा कोमल है। और दूसरा वाला शेप जो कॉमनली यूज होता है वो ई माइनर वाला शेप। आप जब ई माइनर बजा रहे हो तो इस फिंगर को यहाँ पर लगा दें तो ये ई माइनर सिक्स्थ हो गया, यानी कि ई जी बी और सी शार्प, वही सा कोमल गा पा और शुद्ध धा। इसी शेप को आप आगे बढ़ाते चले जाएं तो ये जी माइनर सिक्स्थ, ए माइनर सिक्स। अगर आप ये शेप ना बजा पाए, आप बार कॉर्ड बजाना चाहें तो आप यूं बजा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर आपको फोर्थ स्ट्रिंग को म्यूट रखना है। ए माइनर सिक्स्थ, जी माइनर सिक्स्थ, एफ शार्प माइनर सिक्स, एफ माइनर सिक्स, ई माइनर सिक्स। वैसे और भी तरीके हैं माइनर सिक्स कॉर्ड बजाने के, लेकिन इन दोनों शेप्स से आपका प्राय काम चल जाना चाहिए। तो आइए चलिए कुछ बॉलीवुड के गानों को देखते हैं जहाँ पर माइनर सिक्स कॉर्ड्स यूज किए गए हैं। इन एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कब माइनर सिक्स कॉर्ड्स बजाए जाते हैं। वैसे तो कुछ रूल्स हैं, इन्हें अगर आप समझें तो अच्छा रहेगा। कुछ आपको थ्योरी की जानकारी तो अच्छी बात है। मैं दोनों वेस्टर्न और हिंदुस्तानी म्यूजिक के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इन रूल्स के जरिए आपको ये समझ में आएगा कि माइनर सिक्स कॉर्ड कैसे बजाए गए हैं वहाँ पर। लेकिन सिर्फ इन रूल्स को जानना ही काफ़ी नहीं है, आपको गाने सुनने पड़ेंगे जहाँ पर माइनर सिक्स कॉर्ड बजाए गए हैं। अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने जो कुछ लेसन्स में माइनर सिक्स कॉर्ड दिखाए हैं और मैं उनके लिंक्स इस गाने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा आपको। आप जाएं और वो उन गानों को ध्यान से सुनें, साथ में गिटार रखें और बजाने की कोशिश करें साथ में, और आप देखेंगे धीरे धीरे बजाते बजाते आपको समझ में आने लग जाएगा कि माइनर सिक्स का साउंड कैसा होता है। और इसी को ईयर ट्रेनिंग कहते हैं। आप चाहे मेजर माइनर कॉर्ड्स को समझने की कोशिश करें, चाहे सिक्स, चाहे सेवन्थ, चाहे जितने भी कॉर्ड्स हों, धीरे धीरे आपके कान जो हैं वो सेट हो जाते हैं बजाते बजाते और सुनते सुनते। दो बजाना भी ज़रूरी है और सुनना भी ज़रूरी है। तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, इन दोनों गानों के लेसन्स मैंने दिए हैं। और पहला एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर माइनर सिक्स कॉर्ड का जो रूट नोट है। अब मैं थोड़ी टेक्निकल बातें करने लगूंगा तो कोशिश करूंगा कि सिंपल रखूं, लेकिन फिर भी आपको थियरी जानने की जरूरत ज़रूर पड़ेगी। तो कॉर्ड का जो रूट नोट है, यानी कि जो पहला नोट है, तो मान लीजिए आप ए माइनर सिक्स बजा रहे हैं तो ए माइनर सिक्स का पहला नोट हुआ ए, उसके बाद है सी, ई और एफ शार्प। अगर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक में फॉलो करते हैं तो सा, कोमल गा, पा और शुद्ध धा। तो यानी जो पहला नोट है जो ए है, वही उस गाने का जो स्केल है उसका सा होना चाहिए, यानी उसका टॉनिक नोट होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए आप ए माइनर स्केल में गाना है तो ए माइनर स्केल में वैसे तो ए बी सी डी ई एफ जी ए नोट्स होते हैं। अगर आप नेचुरल माइनर में बजा रहे हैं, यानी कि सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, कोमल नी और सा, इसमें आप ए माइनर सिक्स नहीं बजा पाएंगे। लेकिन अगर जो गाना है वो ऐसे स्केल में बनाया गया हो जिसमें ए आपका टॉनिक है लेकिन उसमें एफ शार्प यूज़ किया गया हो, और ऐसे कुछ स्केल्स हैं जैसे कि वेस्टर्न म्यूजिक में मेलोडिक माइनर स्केल जो होता है उसमें ए बी सी डी ई एफ शार्प जी शार्प और ए होता है, और अगर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक में इसको अगर आप समझें तो ये सा, रे, कोमल गा, मा, पा, शुद्ध धा, शुद्धनी और सा। तो इस स्केल में आप अगर ए माइनर सिक्स बजाते हैं तो उसमें ए सी ई और एफ शार्प नोट्स हैं, यानी कि सा, कोमल गा, पा,
शुद्धा। तो हम जिस एग्जाम्पल को देखने जाएंगे वो है बहारो फूल बरसाओ, इस पर मैंने हाल में ही लेसन पोस्ट किया था। तो ये गाना शिवरंजनी राग में कंपोज किया गया है। तो शिवरंजनी राग में वैसे तो 5 स्वर होते हैं, सा रे कोमल गा पा शुद्ध धा और सा। अगर आप ए माइनर में लेके चलें तो ए बी सी ई एफ शार्प और ए, ये नोट्स होते हैं। वैसे ओरिजिनल गाना ए फ्लैट माइनर में था तो मैंने ए फ्लैट माइनर 6 यूज किया था, लेकिन मैं एग्जाम्पल को आज सिंपल रखने के लिए ए माइनर में ही आपको समझाता हूँ। तो जो अंतरा था उसमें जो नोट्स थे, तो यहां पर जो नोट्स हैं, ये जो नोट है ये एफ शार्प नोट है, ये जब ये नोट पड़ रहा है बीट पर तब आप डी मेजर बजा सकते हैं, लेकिन मैंने गाने में ए माइनर 6 बजाया है। वैसे तो यहाँ पर आप ए माइनर 6 की जगह डी मेजर भी बजा सकते थे, डी 7 भी बजा सकते थे, और मैंने इस गाने के लेसन में कई जगह वो बजाया भी है, लेकिन मैंने वही कॉर्ड बजाया जो मेरे कानों को लगा ट्रैक को सुनकर। तो ऐसे और भी कई गाने हैं जो शिवरंजनी राग में बनाए गए हैं और उनमें जो है माइनर 6 कॉर्ड का यूज़ किया गया है, और वो माइनर 6 कॉर्ड उसी नोट पर आधारित है जिस नोट पर गाने का स्केल बना हुआ है। 2-3 एग्जांपल्स में और दे रहा हूँ, इन पर आपको मेरे लेसन्स मिल जाएंगे। मेरे नैना सावन भादो वो सी माइनर में है, उस गाने की खासियत यह है कि वो सी माइनर से सी मेजर और मेजर से माइनर कई बार गाने में बदलाव किया गया है, तो उस गाने में सी माइनर 6 कॉर्ड का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। तो उस गाने का अंतरा यूँ जाता है, तो ये नोट जब पड़ता है तब आप सी माइनर 6 बजा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ एफ मेजर ही बजा सकते हैं, लेकिन आप सी माइनर 6 बजाएं तो आपको ओरिजिनल ट्रैक से काफी मिलता जुलता साउंड मिलेगा। और भी कई गाने हैं शिवरंजनी राग में जहां पर माइनर 6 कॉर्ड काफी यूज किया गया है, कहीं दीप जले कहीं दिल फिल्म 20 साल बाद से, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन फिल्म एक दूजे के लिए, जाने कहाँ गए वो दिन फिल्म मेरा नाम जोकर, इस पर मैंने लेसन किया है और इसका लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगा। प्यार झुकता नहीं से तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, आप इन गानों के साथ माइनर 6 कॉर्ड बजा कर देखें आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज के लेसन के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ जहाँ पर जो माइनर 6 कॉर्ड है उसका जो रूट नोट है यानी कि पहला नोट है वो उस गाने के स्केल का चौथा नोट है। तो जैसे अगर आप ए माइनर में लेके चलें तो ए माइनर स्केल में अगर आप नेचुरल माइनर लेके चलते हैं, और जो एग्जांपल मैं आपको दूंगा ये नेचुरल माइनर में ही है, ए माइनर में अगर आप लेके चलें तो जो नोट्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए यानी कि सा रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी और सा, इस पर आपका जो चौथा नोट है यानी कि मा, यानी कि अगर आप ए माइनर में लेके चलते हैं तो डी, इस पर आप माइनर 6 कॉर्ड बजा सकते हैं। तो डी माइनर 6 पे जो नोट्स होते हैं डी एफ ए और बी, और ये चारों नोट स्केल में है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एक अभी हाल में ही लेसन पोस्ट किया था मेरी भीगी भीगी सी, वैसे लेसन जो है ओरिजिनल ट्रैक जो है गाना वो बी फ्लैट माइनर यानी कि ए शार्प माइनर में है, फिर भी मैं आपको ए माइनर में ही दिखाता हूँ गाने के अंतरे में। तो इस नोट पर मैंने 2 कॉर्ड्स बजाए थे, एक ए माइनर एडेड 9th था वो मैं आपको और किसी लेसन में डिटेल में समझाऊंगा, और दूसरा डी माइनर 6 था। तो इस नोट पर आप चाहते तो जी मेजर भी बजा सकते थे, तो आग से नाता नारी से रिश्ता पे, लेकिन गाने में बजाया गया है पहली बार ये और दूसरी बार। आप ओरिजिनल ट्रैक के साथ बजा के देखें, जैसा मैंने पहले समझाया था धीरे धीरे सुनते सुनते बजाते बजाते आपके कान सेट हो जाएंगे। आप इसी अंतरे पे एक बार बजाते वक्त ए माइनर और जी बजाएं, दूसरी बार ए माइनर और डी माइनर 6 बजाएं, गाने को सुनें और आपको फर्क पता चल जाएगा। ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हैं, 2 गाने और याद आ रहे हैं, इन पर मैंने लेसन पोस्ट किए हैं। एक मेरे सपनों की रानी, बहुत साल पहले मैंने लेसन पोस्ट किया था, उसमें भी इसी तरीके से ओरिजिनल गाना बी फ्लैट माइनर में है और वहाँ पर मैंने माइनर 6 कॉर्ड यूज़ किया था। और दूसरा एग्जांपल है दिल तो बच्चा है जी, इस पर भी मैंने लेसन पोस्ट किया है। गाने का जो मेन लाइन है दिल तो बच्चा है जी कई बार दोहराया गया है गाने में, और हर बार उन्होंने अलग कॉर्ड यूज़ किया है। तो अब ये जो नोट पड़ रहा है तब आप लेसन में देखेंगे मैंने कई जगह ई यूज़ किया है, कई जगह सी शार्प 7th यूज किया है, सी शार्प 7 आप यू भी बजा सकते हैं उसमें ये नोट है, और मैंने कई जगह जो है बी माइनर 6 यूज किया है। तो इस गाने को भी आप ध्यान से सुने ओरिजिनल ट्रैक को और साथ में बजाएं, आपको फर्क पता चल जाएगा जो
जो लाइन है दिल तो बच्चा है जी, उस लाइन पर जब वो नसरत साहब हाँ कहते हैं, तब उस वक्त आप अगर आप बी माइनर सिक्स बजा के देखें, आप ई मेजर बजा के देखें, सी शार्प सेवन बजा के देखें, तीनों बार आपको अलग सा फील आएगा। ये म्यूजिशियन पे डिपेंड करता है कि वो क्या गाने पे मूड रखना चाहते हैं, क्या इफेक्ट देना चाहते हैं, और उस वक्त उन्होंने और भी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स बजाए हैं, तो उन सबको ब्लेंड करना पड़ता है, उन सबको मिलाना पड़ता है, तब जाके कानों को अच्छा लगता है। क्योंकि जिस वक्त आप माइनर सिक्स कॉर्ड बजाने जा रहे हैं, गाने के पीछे और भी इंस्ट्रूमेंट जो बज रहे हैं जैसे स्ट्रिंग्स वगैरह, उनके नोट्स भी जो हैं उस कॉर्ड्स के साथ मैच करने चाहिए। वैसे और भी एग्जांपल्स हैं माइनर सिक्स कॉर्ड्स यूज़ करने के लिए। आज के लेसन के लिए यहीं तक रुकते हैं। मैंने जो जो गाने आपको लेसन में बताए हैं उन सबके लेसन जहाँ जहाँ मैंने पोस्ट किए हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दूंगा, आप जाएं उन्हें देखें, और जैसा मैंने पहले कहा था आप उन गानों को सुनें और साथ में बजाएं, तब जाके आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि माइनर सिक्स कॉर्ड्स कैसे बजाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह मुझे अपने सवाल भेजें, अपने रिक्वेस्ट भेजें, मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से और भी लेसन पोस्ट करूं। बहुत लोगों ने कहा है माइनर सेवन्थ, मेजर सेवन्थ, डिमिनिश्ड, ऑगमेंटेड, इन सब पर भी लेसन पोस्ट करूं, तो अगर रिक्वेस्ट आएंगे और डिमांड होगा तो ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।